फेरू जानू हा कि सही है। उसको अर्थ को अनर्थ लगा। क्या ये, क्या ये, क्या ये स्कूल में बच सकता है संगीत? संगीत क्या क्या देवी मंदिर में बच सकता है या संगीत? अब देवी मेरा भाई, बाबू मेरा भाई, हमेशा सम्मान सबका रहेगा। आपके जैसे जितने भी सिंगर जो उभर रहे हैं, जहाँ तक होगा हर प्रकार से सपोर्ट है कि आप आगे के जाएं और मेहनत कीजिए। मेहनत करने की जरूरत है आपको, आपका आवाज़ सुना और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भविष्य में अच्छा करेंगे। और एक यहाँ पर देखिए, रोजे रोजे रफीगंज बाजार सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ऐसा ही इनको और निकालना चाहिए गाना, थोड़ा सा और बेहतर करने की इन्हें जरूरत है। हम बगल में हैं, दिनो राते सोचो ही औ छौड़ी एके संगे घूमो ले बस। देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हम वैसे शख्स के पास मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक छोटे से कस्बे से उठकर रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के औरंगाबाद जिले से, जो रफीगंज प्रखंड जो 32 किलोमीटर की दूरी पर आती है, जिले से काफ़ी दूर है, इससे भी जो है ग्रामीण क्षेत्र से, एक छोटे से गाँव खिरहिरी से उठकर भोजपुरी जगत में अलग पहचान बना रहे हैं, वे हैं गौतम बिहारी जी। आखिर क्यों इनका इंटरव्यू ले रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसे ऐसे कलाकारों को आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ाना होगा। बड़े बड़े कलाकार तो घूम ही रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकार को हम सभी मीडिया बंधु, हम सभी समाजसेवी, हम सभी जनप्रतिनिधि अगर ऐसे ऐसे कलाकारों को प्रमोट नहीं करेंगे कौन करेगा? तो आइए इनसे परिचय करते हैं और इनसे जो फर्स्ट गाना जो गाए थे वो फर्स्ट गाना का जो है राग सुनेंगे। आपका स्वागत है। जितना भी टैक न्यूज देख रहे हैं सबके पैर छुके प्रणाम। हम भोजपुरी एंड महिगा के बबुआ गौतम बिहारी। पूछिए, क्या आपने कब से शुरुआत की थी भोजपुरी जगत में गाना गाने के लिए? देखिए, ऐसे तो मैं 2018 से सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन एल्बम मैं 2021 से कर रहे हैं। अच्छा, सिंगिंग में कहाँ कहाँ आप किए थे, कौन सा गाना? सिंगिंग में देखिए, सबसे फर्स्ट बार मैं स्कूल में गाते थे। कौन सा स्कूल में गाए? स्कूल में मैं गांव के बगल के स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, कौन सा क्लास में? 8 क्लास में। वहाँ के सर कौन थे? प्रधानाध्यापक? प्रधानाध्यापक थे कपिल देव सिंह। अच्छा, कौन सा गाना गाए थे वहाँ? वहाँ पास गाए थे, मैं गाना गाए थे, ये गाए थे, अरे कि दिल ना लगई हा फेरू जानू हा, कि दिल ना लगई हा फेरू जानू हा, कि अब जा 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 जान भूला जाई हा, कि अब जा 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 जान भूला जाई हा। ये स्कूल में गाए थे गाना? हाँ गाए थे। लगता तो नहीं कि स्कूल का गाना है? स्कूल में गाना गाए थे। स्कूल में गाना गाए थे? हाँ गाए थे, फर्स्ट बार। कोई से दिल लगा था? ना दिल ना लगा था, बस ये गाना अच्छा लगा था तो हम सुना दिए। जरूर, ये गाना जो है जिससे दिल लगता है उसके बाद ही ये गाना गाता है ना। मेरा दिल तो किसी से न लगा। किसी से न लगा है, काहे कि उम्र कम है अभी। हाँ, तो और क्या, कौन कौन सा गाना आप निकाल रहे हैं सेकंड में? मेरा एल्बम था एक रफीगंज पे गाए थे मगे, कि याद आई तो घूमल गे छौड़ी रोजे रोजे रफीगंज बाजार, याद आई तो घूमल गे छौड़ी रोजे रोजे रफीगंज बाजार, जई भी ससुरावा गे छौड़ी याद आई तो घूमल बाजार। उसका अंतरा था इसे कि हम ही दिलियोगे छौड़ी उठ के उठ लाली गे, हमारा छोड़ी चल गे अपन ससुरारी गे। हाँ। कि हम ही दिलियोगे छौड़ी उठ के उठ लाली गे, हमारा छोड़ी चल गे अपन ससुरारी गे, दिनों राते सोचो ही औ छौड़ी एके संगे घूमो ले बाजार, जई मी ससुरावा गे छौड़ी याद आई तो मी लाल बाजार। हाँ, यही गाना था। हाँ, कब गाना निकाले हैं? ये गाना गाए हैं 2022 में। 2022 में, और इससे पहले कोई गाना वो शिक्षा के प्रति नहीं गाए हैं? अभी तक तो ना गाए हैं। तो मतलब सब जो बात है, शुरू में आप गाए दिल ना लगाई है, फिर छोड़ी पे आप चले गए, क्या मतलब है? कोई छोड़ा होगा तभी तो चले गए। ना ऐसा बात नहीं, कोई नहीं छोड़ा है। काफ़ी सारे देवी गायिका देवी के नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कौन कौन कैसा गीत गाती है, कैसा गीत प्रस्तुति करती है? भक्ति गाते हैं। तो वायरल हुई ना? हाँ। तो आप ऐसा ऐसा गाना क्यों गा रहे हैं? गा रहे हैं, आज के डेट है, मार्केट में आजकल यही चल रहा है तो गा रहे हैं।
ऐसा क्या हो सकता है मार्केट में, देवी भी, देवी का तो नाम आपको बताया ना, देवी गाती है देशभक्ति गीत गाती है, स्टेज शो भी करती है देशभक्ति करती है, तो क्या वायरल नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। तो आप ही लोग के वजह से जो है कलाकार अगर जैसा प्रस्तुति करता है वैसा दर्शक भी बन जाता है, तो आप लोग स्वच्छ गाना क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? आज के डेट में पब्लिक लोग इसी ये सब सुन रहा है। अच्छा, तो हम लोग गा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या सही बोल रहे हैं? देखिए जहाँ तक सामाजिक परिवेश की बात है, तो कहीं पर अर्थ के अनर्थ लगाया जाता है संगीत में, उसको डायरेक्ट ना समझ के इनडायरेक्ट समझा जाए, ऐसा नहीं है कि उसमें अश्लीलता का समावेश है। अश्लीलता समावेश को प्रदर्शन मान के चलना गलत है। जहां तक संगीत का सवाल है, तो हम एक कलाकार को बधाई देना चाहते हैं। संगीत का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़कर एक जिम्मेवार नागरिक बनाना। संगीत का जहां तक बात है, तो संगीत शांति है, संगीत क्रांति है, संगीत मार्गदर्शक है, संगीत प्रेरणा का स्रोत है, संगीत वह चीज है जो मानव जीवन के व्यवहार और चरित्र परिवर्तन ला दे, इसका नाम संगीत है। लेकिन चलिए, संगीत अच्छा गा रहे हैं, संगीत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। जहां तक मैंने कहा कि संगीत में कहीं अर्थ को अनर्थ लगाया जाता है, यानी आपके आपके नहीं, आपके कहनाम से इनका जो है संगीत जो गाए हैं, क्या मतलब सही है या नहीं? आप दोनों संगीत बोल रहे हैं, संगीत सही है। हाँ, उसको अर्थ को अनर्थ लगाना क्या ये, क्या ये, क्या ये स्कूल में बच सकता है संगीत? संगीत क्या क्या देवी मंदिर में बच सकता है या संगीत? अब देवी मंदिर की जहां तक सवाल है, तो आप कार्यक्रम में देखिए स्कूल की मंदिर भी कहा होता है, विद्या के मंदिर है, वहां भी संगीत बजता है, इस तरह का संगीत बजता है। लीजिए अर्थ को वहां पर भाव बदल के समझना गलत है, संगीत गलत नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही इनको और निकालना चाहिए गाना, थोड़ा सा और बेहतर करने की इन्हें जरूरत है। हम बगल में है सुधीर बाबू, हाँ, ये हमारे इलाके का उभरता हुआ चेहरा है। हाँ, आप एक बार जरूर इन्हें स्नेह प्यार आशीर्वाद भेंट चढ़ाने का कोशिश करें। हाँ, ताकि बेहतर कर सके, ताकि बेहतर कर सके, और निश्चित में बेहतर करने की इनके जज्बात है। हाँ, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं इस देश के जितने भी कलाकार जो अभी एकदम निम्न स्तर से स्टार्टिंग किए हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। बड़े बड़े कलाकारों के पीछे बहुत सारे फैंस हैं, पूरे उसमें उनका बैकग्राउंड भी अच्छा खासा होता है, और उनको तो सब लोग सराहनीय देते हैं, लेकिन वैसे लोगों को सराहनीय देकर के आगे पहुंचाने का काम हम लोग करना चाहिए, जो लोग को जिस लोगों में काबिलियता है, और ख़ास करके वो लोग जो अभी बहुत निम्न स्तर पर है। तो इनका पहले मैं बोल, मैंने आते ही पहले हमसे मिले इन्होंने, तो इनका मैं नाम पूछा, है ना, क्या नाम था आपका? मेरा नाम हुआ बबुआ गौतम। बबुआ गौतम जी, ठीक है। सबसे पहले बबुआ गौतम जी, आपको मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और आप नाम भी इनका स्टार देख रहे हैं, बबुआ गौतम, को बबुआन भी कहते हैं। हाँ हाँ, देखिए जातिवाद बबुआ है, ये चलते बबुआ लिखा। जातिवाद तो अपनी अलग चीज़ें हैं। हाँ, हाँ। और कला मोहताज नहीं होती जातिवाद का। हाँ, हाँ। कला किसी में हो सकता है। हाँ। तो इनकी आवाज़ जब मैं सुना शुरू में आया, तो इन्होंने बताया, अपना परिचय दिया, और जब इनसे मैं सुना तो इनका मैं बोला कि वीडियो दिखाइए, तो इन्होंने वीडियो दिखाया। हाँ। तो मुझे थोड़ा आवाज़ इनका अच्छा लगा, और शूटिंग जो जिस प्रकार से हमको लगता है कि सारे गाना खुद लिखते हैं, राइटिंग खुद करते हैं ना, राइटिंग करते हैं। हाँ, अब बताइए इतनी अच्छी कला, जो खुद राइटर और खुद गायक। हाँ। अभी के डेट में कुछ बच्चे हैं या कुछ ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो खुद से राइटिंग भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ ओनली फॉर गाने का काम। हाँ। करते हैं, म्यूजिक कंपोज करना, राइटिंग करना तो अलग बात है। हाँ। तो मैं देखा कि रवि भाई के चैनल से इन्होंने गाया है, एलेक्स म्यूजिक बोध गया वाले, तो मैं जहाँ तक हो सकता हूँ मैं रवि भाई को फ़ोन भी कर दूंगा, बहुत मतलब क्लोज मित्र हैं मेरे, आपको हर प्रकार से गाना बनाने में हेल्प करेंगे, पैसे से या किसी भी चीज़ से, मैं फ़ोन कर दूंगा, अभी जस्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको हर प्रकार सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बस आप अपने अंदर जज्बा को कम मत कीजिए। हाँ। आप किसी भी सिंगर से कम मत समझिएगा, चाहे वो कैसा भी स्टेज है, चढ़ करके वहाँ पे अपना प्रस्तुति देना है, कला को आगे बढ़ाना है। और बात अभी आपने जैसा बता रहा था कि ये कैसे बोल रहे हैं या क्या, देखिए एक शब्दावली होती है, आज के डेट्स में इतिहास में देखें आप, पहले जाइएगा तो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो शब्दावली से गाना गाते थे, आज से भी अश्लील गाना गाते थे, शब्दावली को यदि तोड़ के देखें तो, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा था, सुनने में अच्छा लगता था, भले ही उसका
मतलब कुछ हो। तो शब्दावली के अनुसार अगर हम देखें तो इनके मन में भाव एक उत्पन्न होता है, उस भाव के अनुसार शब्दावली ये खुद चेंज कर सकते हैं। ये तो गाना की तो अलग बात है, गाना तो कहीं भी कोई भी चेंज हो सकता है, माहौल के अनुसार गाना गाते हैं। इनके अंदर जैसा भाव प्रकट होगा, अब मान लीजिए कि मंदिर में जाते हैं तो भाव मंदिर जैसा आएगा, तो खुद से वो असली गाना नहीं गा पाएंगे, एक खुद अच्छा गाना निकालेंगे, क्योंकि शब्दावली भाव से होता है ना। तो कहीं भी जाएंगे समाज में, कहीं भी जाएंगे तो उसके अनुसार, शादी में जाएंगे तो उसके अनुसार गाना गाएंगे। सिंगिंग सिंगर में कोई दोष नहीं होता है, शब्दों में दोष होता है, और शब्दों को कौन पकड़ेगा, सिंगर है ना। तो ये इनको हम लोग को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब मेरा भाई बाबू, मेरा भाई हमेशा सबका रहेगा, आपके जैसे जितने भी सिंगर जो उभर रहे हैं, जहां तक होगा हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से। जब भी दरकार हो ऐसा पड़े कहीं भी, तो आप एकदम याद कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक कंपोजर में, डायरेक्शन में, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार याद कीजिए, बस मेहनत करना मत छोड़िएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये लाइफ ऐसा है ना सिंगिंग लाइफ, कि बहुत सारे लोग इसमें मतलब उब जाते हैं, 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई संग्राम में जाकर छटके आ जाता है, कोई कहीं कहीं पर जाकर के बेचारा आ जाता है, फिर वो उनका वो चीज़ पब्लिसिटी नहीं रहता जो एल्बम वाले का होता है। तो एल्बम वाले का जो प्रस्तुति है, जैसे अब एग्जांपल्स के तौर पे हम दो ठो ले लेते हैं आपके सामने एग्जांपल्स, जैसे एक नाम सुने होंगे गोलू राजा का, सुने भले ही वो कैसा भी सिंगर है, नहीं है वो सिलेक्ट हो गए थे किसमें, सुर संग्राम में हुए थे ना, लेकिन आज तक उनका एल्बम स्टार नहीं कहलाया, वो स्टेज स्टार ही रह गए। जबकि शब्दावली इतना स्ट्रांग उनका है, तो हर गाने को तुरंत कॉपी कर लेना, तुरंत बोल देना, और शब्दावली बहुत स्ट्रांग, कभी भी गाना उनका असली नहीं होता है ना। अब दूसरा एग्जांपल है सामने नीलकमल सिंह का, वो सुर संग्राम में जाते हैं फर्स्ट ही राउंड में छट के आ गया, आज ग्रैमी लाने के बाद करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिएगा आप, तो हनी सिंह के साथ उसका नाम आया, सही बात है ना। अब ऐसा नहीं कि वो हम क्या होता है, उनकी कला के अनुसार उनको दिखाया जाता है। एल्बम स्ट्रॉन्ग बनाइए आप, एल्बम में कोई दिक्कत हो अच्छे चैनल को चूज़ कीजिए। अभी स्टार्टिंग में आपका चैनल ठीक है, हमने देखा तो वैसे ही मैं आपको बताया कि चैनल तो ठीक ठाक है, उनका सब्सक्राइबर भी अच्छा बढ़ गया है, लेकिन वेब म्यूजिक से आइए, टी सीरीज से आइए। अब ऐसा नहीं कि भोजपुरी में ही गाएं, आपको जिस लैंग्वेज में मन करे गाने का आप अपना प्रस्तुति रखिए। चलिए चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो प्रस्तम जी पहली बात कि इनको देखे, नवयुवक है बेचारे, लेकिन जो भी इनका मैंने एल्बम देखा बहुत ही अच्छा लगा इनका, खास करके इनका जो व्यवहार है, आचरण हुआ बहुत अच्छा लगा। अभी भी हमने 2 गाने सुने, लाइव सुना हम लोगों ने, हाँ इनका आवाज़ बहुत अच्छा लगा हमें, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भविष्य में अच्छा करेंगे। और एक यहाँ पर देख सकते हैं रफीगंज के दंत डॉक्टर सुनील कुमार, सुधीर कुमार जी हैं, आप क्या कहेंगे सुधीर जी? सबसे पहले तो बबुआ गौतम बिहारी जी को बहुत बहुत शुभकामना है कि आप आगे के जाएं और मेहनत कीजिए, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, आपका आवाज़ सही है, आवाज़ अच्छा है, मेहनत कीजिए, हम लोग की शुभकामना आपके साथ है, जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। आप नेक्स्ट गाना गाकर सुनाइए दर्शकों को। एक गाना अभी मेरा आया है कि तोरा से बतियला बिना मनवा नहीं लगाओ, तोरा से बतियला बिना मनवा नहीं लगाओ, सोना मांगे फोनवा मम्मी तोर उठाबो, जानू आगे फोनवा मम्मी तोर उठाबो। हमारा एक गाना था गया जिला पे, करही ओ प्यार तोरा बनैबो घर वाली गे, करही ओ प्यार तोरा बनैबो घर वाली गे, गया बाजार में अहे लगा के छौड़े ओठा लाली गे, गया बाजार में अहे लगा के छौड़े ओठा लाली गे।